नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दीवार बांधने के विवाद में सगे भाई ने अपनी ही बहन पर कोयते से किया वार, बहन हुई लहूलुहान। विरार के पश्चिम अंतर्गत 13 जनवरी को एक ऐसी भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाली घटना घटित हुई जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। दरअसल विरार पश्चिम के भाजी मार्केट के पास माया निवास नामक घर में दीवार के झगड़े को लेकर भाई राजू माया पाटिल ने अपनी बहन स्मिता शाह के घर में घुसकर स्मिता शाह पर कोयते से वार करते हुए जानलेवा हमला किया। इस जानलेवा हमले में स्मिता शाह को सर में, गर्दन में, हाथ में, पांव में गहरे घाव लगे हैं, जिनमें से कुछ जगहों पर टांके भी लगवाने पड़े हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी की सुबह 8 बजे के करीब स्मिता शाह रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल रही थी। उसी समय स्मिता का सगा भाई आरोपी राजू पाटिल पीड़िता के घर में कोयता लेकर घुस गया और दरवाजा बंद करके अपनी सगी बहन पर धनाधन वार करने लगा। तभी पास में ही रहने वाले आरोपी के दूसरे भाई का परिवार भी वहां पहुंचा और आरोपी को कोयते से बहन पर वार किए जाने के चलते डांटने लगा। तब आरोपी ने अपने भाई को भी धमकी दी। ऐसा आरोप भाई द्वारा विरार पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई FIR में लगाया गया है। इस मामले के पीछे आरोपी द्वारा अपने घर में एक दीवार का निर्माण करवाने के समय बहन द्वारा उस निर्माणाधीन दीवार के चलते उसके घर में हो रहे भाई के कब्जे के कारण दीवार निर्माण से मना किया जाना बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर आपका नाम? अनिल माया पाटिल। पाटिल सर, क्या मामला था? मामला था ऐसा कि बहन के ऊपर जब भी वार हुआ उसके एक दिन पहले उनके खिलाफ वो बहन ने जाके NC दर्ज की थी और दीवार डालने की वजह से उसके ऊपर से वो NC जाके दर्ज की, NC दर्ज करके घर पे आ गई थी। तो पुलिस वाले ने उनको बुलाया था, बोले कल सुबह 9 बजे वापस हाजिर हो जाओ इधर। तो हाजिर होने के बाद में आपके ऊपर चैप्टर गुना दाखिल हो गया, ऐसे पुलिस वाले ने बोला। तो सुबह की राह देखी भाई ने हमारे, तो सुबह की राह देखी, सुबह जल्दी आके बैठ गया और डायरेक्टली 9:30 का टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग पे उसके घर में डायरेक्ट घुस गया और कोयते से उसके ऊपर वार किया। कोयते से जो वार जो किया तो आप कहाँ पर मौजूद थे? मैं मेरे घर में बैठा था, मैं मेरे घर में पूजा कर रहा था और चिल्लाने का आवाज़ भी आया था उधर से। मैं पूजा में बैठा था यार, तो मेरी बाजू वाली दूसरी बहन छोटी वाली वो दौड़ दौड़ के आ गई, मैं दरवाजा ठोका और बोली मेरे को कि वो घुस गया घर में और उसको मारने गया है, घर में घुस के मार रहा है। मारने का कारण क्या पुरानी रंजिश को है या प्रॉपर्टी को लेकर है, क्या मामला है? मारने का कारण रंजिश पुरानी चाहिए, पूरा प्रॉपर्टी भी के प्रॉपर्टी ऊपर से सब चल रही है, क्योंकि जूना से उसकी औरत भाई हमको कभी भी तकलीफ भी देते आए हैं। और जूने टाइम पे जब भी मेरा शादी के पहले भी मेरे को ऐसा टैंकर से भी उसने उड़ाया, तभी वो टैंकर चला रहा था, टैंकर से मेरे को उड़ाया था वो टाइम पे। उसके बाद मैं 2-3 बार झगड़े हुए थे, 2-3 बार मारा मारे हो गए थे वो टाइम पे, मेरे ये भी सर भी को फट गया था वो टाइम पे। उसके बाद मैं बहन के ऊपर गाली गलौज, मेरे को मारा मारी, सबको मारा मारी करके जाते थे वो। और उसकी औरत तो आज तक भी उसकी औरत हमारे घर पे भी आके झगड़ा करके जा रही है, गाली गलौज करते जाती है। आपका नाम? अनिशा अनिल पाटिल। अनिशा जी, क्या मामला है? उन बुआ ने काका जी के खिलाफ NC किया था रात को, तो सुबह में इन्होंने प्लान करके बुआ जी को मारा था। मारा था? किस चीज से मारा था? कोयता से। आपने, आपको कैसे पता चला कि बुआ जी को काका ने मारा है? वो बुआ जी घर में चिल्ला रही थी, अंदर से बहुत चिल्ला रही थी, तो हम भाग के सब गए और फिर उसको बचा लिया। बुआ की स्थिति क्या थी उस टाइम पर और काका के हाथ में क्या था? बुआ जी की स्थिति बहुत गंभीर थी और उसको बहुत डर लग रहा था और बहुत चिल्ला रही थी। काका के हाथ में क्या बाकी में कोयता था? हाँ।